दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप दूर बैठे हुए लोगों की यानी दूसरे कमरे में या घर के अंदर बैठे हुए लोगों की बातें घर के बाहर या दूसरे कमरे में बैठकर या दूर बैठकर कैसे आपसे दूर बैठे हुए लोगों की बातें आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल के अंदर सुन सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप इसे ओपन कर ले रहे हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन मिलता है, एक है यूज एज माइक्रोफोन, दूसरा है यूज एन स्पीकर। तो ये दो ऑप्शन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए अंगूठे के निशान पर क्लिक करके। दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यूज एज माइक्रोफोन, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो चीजें मिल रही है, आईपी एड्रेस और पोर्ट। अब यहां पर बात आती है कि आपको बातें सुनने के लिए चाहिए दो फोन, एक फोन को तो आपको बनाना है यहां पर यूज एज माइक्रोफोन, यानी एक फोन को तो आपको माइक्रोफोन बनाना है और दूसरे को आपको स्पीकर बनाना है। अब आपको पहला जो फोन है उसको करना है, दोनों में इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद पहले वाले ऐप में आपको दोनों में आप ये ऐप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद पहले में आपको करना है यूज एज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन करने के बाद आपको यहां पर इस पे दो चीजें मिलेंगी, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। तो आपको इस आईपी एड्रेस को याद रखना है और आपको ये पोर्ट नंबर जो आपको यहां पर नजर आ रहा है 33279, इसको यहां पर याद रखना है। ये दोनों चीजों को याद करने के बाद जब आप दोस्तों यहां पर आएंगे यूज एज माइक्रोफोन, दूसरे फोन में जब आप यूज एज स्पीकर पे जाएंगे तो आप स्पीकर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह आपसे पूछेगा डिवाइस माइक्रोफोन ऑन और यहां पर सेलेक्ट माइक्रोफोन बाय एड्रेस। तो सेलेक्ट माइक्रोफोन बाय एड्रेस पे आपको क्लिक करना है और यहां पर वो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर डालना है। दोनों चीजें डालने के बाद आपका ये वाला फोन बन जाएगा स्पीकर और वो वाला फोन बन जाएगा माइक्रोफोन। तो जहां भी आपको बातें सुननी है वहां जाइए और माइक्रोफोन वाले मोबाइल को ले जाके वहां कहीं भी साइड में रख दीजिए और इस स्पीकर के वाईफाई से दोनों, मतलब ये दोनों सेट अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होने के बाद दोस्तों इसके रेंज के अंदर आप दूसरे फोन को जहां भी ले जाएं, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, घर के बाहर, जहां तक इसकी रेंज है वहां तक आप बातों को सुन सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह ऐप आपको कहां पर मिल। तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आकर लिखना है वाईफाई एयर और यहां पर इसके आइकॉन को आप अच्छे से देख लीजिए। बहुत छोटा सा ऐप है, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और अगर यहां आपको नहीं मिलता है तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल का आइकॉन है, घंटी बनी हुई है, उसे भी दबाकर ऑन कर दीजिए ताकि जैसे चैनल पर नए वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।